हेलो दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। जैसा कि आपको पता है, जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था, मैं जानता हूं थोड़ा सा टाइम हो गया उस वीडियो को अपलोड हुए, थोड़ा सा कहीं पर बिजी हूं इस वजह से नहीं कर पाया था, पर अब जो है अपन रेगुलर चैप्टर देख रहे हैं। तो आज हमारा जो सेकेंड पार्ट है RSC के चैप्टर का, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कंडेंसर होता क्या, फिर वहाँ पर हमने ये भी आपको बता दिया था कि वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या है, एयर कूल्ड कंडेंसर क्या है। ठीक है, तो आज उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊंगा। तो लिखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। तो इसको हमने बेसिकली तीन तरीके से क्लासिफाई कर रखा है बच्चों। कितने? तीन तरीके से। पहला, एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा आपका दे रखा है आपको वाटर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर के फर्दर तीन टाइप होते हैं, ठीक है। वाटर कूल्ड कंडेंसर के भी फर्दर आगे टाइप होते हैं। और जो आपको थर्ड दे रखा है, थर्ड है आपका यहां पे इवेपोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर को जो है आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है फ्री कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर, और जो दूसरा आता है वो आता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन भी तीन प्रकार से आगे क्लासिफाई है, कौन कौन सा है, फिन टाइप कंडेंसर, दूसरा आता है प्लेट टाइप कंडेंसर, तीसरा जो आता है आपका यहां पर वो आता है बॉडी टाइप कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन चल रहा है, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या अपना एयर कूल्ड कंडेंसर, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, फिर हम फ्री कन्वेक्शन वाला देखेंगे, उसके बाद फोर्स कन्वेक्शन वाला देखेंगे, फिर वाटर कूल्ड पे चलेंगे, और सबसे लास्ट में इवेपोरेटिव कंडेंसर पे चलेंगे, फिर पढ़ेंगे हम रिसीवर, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो तीन दिन और चैप्टर चलने वाला है ये अपना। और रही बात RSC के क्वेश्चंस की, तो RSC के क्वेश्चंस को भी जल्दी से टारगेट किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रहा हूँ कोई आप हमें ऐसी कोई की मिल जाए, या फिर मॉडल टेस्ट पेपर टाइप होता है ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें सारे चैप्टर्स के शामिल हो। सिर्फ मैं कंडेंसर के करा दूँ, सिर्फ लुब्रिकेशन के करा दूँ, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अब बात करूँ जरा फोर्स्ड कन्वेक्शन की। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन को दो प्रकार से जो है हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। एक है सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, या फिर इसको लिख सकते हैं बाई अ ब्लोअर, और दूसरा क्या है, रिमोट टाइप कंडेंसर। ठीक है, बेसिकली ये जो फोर्स कंडेंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, फोर्स कन्वेक्शन के अंदर कंडेंसर जो देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एयर कंडीशनिंग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, जो एयर कंडीशनिंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जो आपके वाटर कूल्ड कंडेंसर है, इनको भी फर्दर मैंने तीन प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन से तीनों प्रकार है वो, पहला आता है इसके अंदर शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर के भी दो पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर एंड वर्टिकल शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका वो यहां पर आता है शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर, और तीसरा आता है आपका डबल पाइप कंडेंसर। ठीक है बच्चों, शेल एंड ट्यूब टाइप के भी दो प्रकार हैं, तो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, वर्टिकल। और इवेपोरेटिव कंडेंसर के अलग अलग प्रकार नहीं होते, एक ही होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे सबसे बाद में। तो चलिए अब जो है हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस पहले टॉपिक का नाम है एयर कूल्ड कंडेंसर। क्या होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, या फिर वायु के द्वारा कंडेंसेशन संघनन प्रक्रिया का करना। देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये चीजें पूरी तरीके से समझ ली थी। देखिए, एयर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं होता क्या है।
कि पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि हमें करवाना क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट है आपका वो किस में आ रहा है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर स्टेट के अंदर आ रहा है, उसकी हीट को क्या कर लिया जाएगा, बाहर निष्कासित कर लिया जाता है, सराउंडिंग के अंदर छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, परंतु प्रेशर को कम नहीं किया जाता है। कहाँ पर? कंडेंसर के अंदर। प्रेशर कहाँ पर कम हो रहा था? एक्सपेंशन डिवाइसेस के अंदर कम हो रहा था। तो दोस्तों ऐसे कंडेंसर जहां पर ऊष्मा को निकालने के लिए, मतलब कि हीट को निकालने के लिए किसका, वायु का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार के कंडेंसर्स को एयर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे नेचुरल फ्लो है और फोर्स्ड फ्लो है, या फिर नेचुरल कन्वेक्शन है एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन है। ठीक है, अब एक बात यहां पर आती है कि जो आपके एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं उनकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपको एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर कूलिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो ओवरऑल एरिया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक आप ओवरऑल एरिया को इंक्रीज नहीं करोगे तब तक उसकी कूलिंग कैपेसिटी को आप क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। ऐसा होता क्यों है, ये मैं आपको बता चुका था, किससे, हीट ट्रांसफर के लॉ से। चाहे आप कन्वेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप कंडक्शन की बात कर लीजिए, दोनों के अंदर, या रेडिएशन की बात कर लीजिए, सबके अंदर जो है सरफेस एरिया तो एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जरूरी है और बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए जो अगर आपको एक टन रेफ्रिजरेशन क्षमता वाला, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वाला कोई कंडेंसर चाहिए तो उसके लिए आपको कितना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए होगा, कंडेंसिंग एरिया कितना बड़ा चाहिए होगा, 2.5 मीटर स्क्वायर टू 5.0 मीटर स्क्वायर तक का आपको क्या चाहिए होगा, कंडेंसिंग एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा बच्चों। ठीक है, और इसके लिए जो वायु की मात्रा है वो कितनी चाहिए होगी, वायु का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर तक आपको एयर का एरिया या एयर एरिया रिक्वायर्ड होगा। मतलब कि जब 30 मीटर स्क्वायर की एयर फैली हुई होगी कहीं पर बॉडी पे, ठीक है, और कंडेंसिंग एरिया जो है वो टू, मतलब कंडेंसर जो आपने फैला रखा है 2.5 मीटर स्क्वायर से 5 मीटर स्क्वायर के मध्य में फैला रखा हो, तब जाके नॉर्मल कंडीशन के ऊपर क्या हो पाएगा, ऊष्मा का निष्कासन हो पाएगा, मतलब हीट को वो क्या कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा, या कंडेंसेशन प्रक्रिया पूरी तरह से हो पाएगी। तो जनरली फॉर्म में बात करूं, जनरलाइज फॉर्म के अंदर, तो एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर जो एयर वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है, 3000 मीटर प्रति मिनट रहती है। किसके अंदर? एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर एयर वेलोसिटी, मतलब वायु का वेग। ठीक है, तो अभी इस एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर जो हमने फर्दर दो पार्ट किए थे उसमें से पहला पार्ट में स्टार्ट करता हूं, यहां पे नेचुरल कन्वेक्शन। जरा मैं नेचुरल कन्वेक्शन के ऊपर आपका गौर ले जाना चाहूंगा, ध्यान ले जाना चाहूंगा, गौर कीजिएगा। नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर्स, यहां पर पूर्ण तरह से प्राकृतिक वायु का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो हवा आई वो आपके कंडेंसिंग एरिया से टकराई, गुजरी और वहां से ऊष्मा को लेकर चली गई। यहां पे आपने एक एक्सटर्नली कोई भी डिवाइस नहीं लगाया, मतलब कोई भी फैन या ब्लोअर जो था वो नहीं लगा रखा था, जो क्या काम करेगा, हीट को बाहर फोर्सफुली फेंकने का काम करेगा, नहीं, अपने आप एयर आएगी, अपने आप क्या करेगी, कंडेंसिंग क्षेत्र के साथ संपर्क के अंदर आएगी और वहां से ऊष्मा को उठाएगी और लेके चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के कन्वेक्शन को क्या कहा जाता है, नेचुरल कन्वेक्शन कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट की, तो वहां पर नेचुरल कन्वेक्शन के जो है वो अपने अलग से फॉर्मूला जो होते हैं वो हमने डिफाइन कर रखे हैं, तो वो अभी हमें यहां पर नहीं पढ़ने हैं, वो हमारे लिए ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर जो पहला आता है वो आता है आपका फिन्ड टाइप कंडेंसर। कौन सा आता है बच्चों? फिंड टाइप कंडेंसर होता है। इसके अंदर होता क्या है, ये फिन्स जो है ये कहां पर लगी होती हैं? रेफ्रिजरेटर के सबसे पिछले वाले पार्ट के अंदर लगी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, काफी बार आपको मैंने एग्जांपल दे भी रखा है, क्या होता है इस तरह की 2-2 mm व्यास वाली नलियां यूनिफॉर्मली स्पेस होकर, मतलब कि उनके दो नलियों के मध्य जो अंतराल रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, समान रहने वाला है, यूनिफॉर्मली स्पेस होकर एक फ्रेम के ऊपर क्या करी होती हैं, वेल्ड करी हुई होती हैं। पूरा का पूरा एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं।
इस तरीके से वेल्डेड रहती है। और अब इस फ्रेम के ऊपर कंडेंसर की जो कॉइल होती है, उस कंडेंसर कॉइल को इस तरीके से लगाया हुआ होता है। ये हम सब ने देखा होगा, हम सोचते थे पहले कि यहाँ पे हीट क्यों आ रही है। एक सिरा कहाँ से? डायरेक्ट कंप्रेसर से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद आपके कैपिलरी ट्यूब्स, एक्सपेंशन डिवाइस, और ये कहाँ जा रहा होगा? पीछे, यानी फ्रीजर के अंदर, जहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? आपका इवेपोरेटर लगा हुआ होता है एक्सपेंशन डिवाइस के बाद। ठीक है, क्या लगा हुआ होता है बच्चों? इवेपोरेटर लगा हुआ होता है वहां पर। ये क्या हो रहा होगा? आपका जा रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर हमने किया क्या? इसके अंदर हमने टोटल जो एरिया था कंडेंसिंग कॉइल का, पहली बात तो वो बढ़ा दिया। उसके अलावा इसको बॉडी फ्रेम से, ये जो बॉडी है आपकी और ये जो फ्रेम है, बॉडी और फ्रेम के मध्य है जो गैप रखा जाता है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, ताकि जब भी एयर आए, एयर इस तरीके से आ रही है तो इसके मध्य से सर्कुलेट होकर क्या हो सके? निकल सके। इसीलिए तो फ्रीजर के, फ्रिज के अगर आप पीछे हाथ लगाते हो तो आपको कैसी गर्म हवा महसूस होती है? वो गर्म हवा कहाँ से महसूस हो रही है आपको? होता क्या है कि ये जो कंडेंसर कॉइल थी, यहां पर बह क्या रहा था? आपका हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा होता है? आपका फ्लो हो रहा होता है बच्चों। ठीक है, कंप्रेसर से आया, कंप्रेसर जाके कहाँ गया? डायरेक्ट कंडेंसर के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये कंडेंसर के अंदर घूमता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया मैंने क्या कर रखा है? काफी बड़ा कर रखा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? हवा आएगी और इस जो ये जो ट्यूब बनाई होगी मैंने कंडेंसर की, वो बेसिकली कौन सी होंगी? कॉपर ट्यूब होंगी। ठीक है, ज्यादातर तो हम कॉपर ट्यूब का ही उपयोग करते हैं, इसके अलावा आजकल अन्य धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। तो वो क्या करेगी? हवा इसका संपर्क के अंदर आएगी, सारी की सारी हीट को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। क्यों? ऐसे उस कंडीशन के अंदर एयर जो है उसका तापमान क्या होता है? कम होता है। किससे अगर कंपेयर किया जाए? किससे? तो वेपर रेफ्रिजरेंट से क्या होता है? कम होता है। इसीलिए वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कभी भी वायलेट नहीं होगा, कभी भी उसका वायलेशन नहीं होगा यहां पर। तो हीट कहां से कहां तक फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। फोर्सफुली हो रही है या फ्री हो रही है? फ्रीली हो रही है। इसलिए यहां पर मैंने नेचुरल कन्वेक्शन या फिंड टाइप कंडेंसर का यूज कर रखा है यहां पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी हीट को ग्रहण करेगी हवा और आगे फ्लो करते हुए कहां पर? वातावरण के अंदर वापस से चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, जैसे जून जुलाई का महीना आता है, तो फ्रिज की कूलिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एकदम नॉर्मल ही है, क्योंकि ऐसे जो फ्रिज आते हैं, जो इस तरह के नेचुरल कन्वेक्शन वाले फ्रिज होते हैं, वो सबके सब डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किस पे? एटमॉस्फेरिक यानी कि एम्बिएंट कंडीशंस पर, वातावरण की स्थिति पर डिपेंड करते हैं। यदि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये बात सोचने वाली है कि जो एयर थी यहां पर, उस एयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर कंपेयर करूं मैं सर्दियों से या नॉर्मल दिनों से भी अगर मैं कंपेयर करूं, तो आपको पता चलेगा कि कूलिंग क्या हो पाएगी? ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए रेफ्रिजरेटर को कहां पे रखा जाता है? कभी भी धूप के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर धूप के अंदर रखोगे तो भी प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाएगी। दूसरी हवादार जगह पर रखा जाए, जहां पर हवा जो है आसानी से क्या हो सके, आसानी से फ्लो हो सके, आसानी से हवा वायु का प्रवाह हो सके, इसलिए वहां पर इसको रखा जाता है। और जब इसको हम दीवार से रखते हैं तो दीवार से भी 10 से 15 सेंटीमीटर गैप पे हमें इसको रखना पड़ता है। ठीक है, और उसके पीछे रखने का भी रीजन क्या है कि भाई एयर जो है वो एक्चुअली में आसानी से फ्लो हो सके। परंतु अगर मैंने यहां पर एक ब्लोअर लगाया होता, पीछे कहीं पर एक पंखा लगाया होता, फिन भी यूज करता, पीछे पंखे का भी यूज करता, तो मुझे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। परंतु एक बात तो फिर भी कहूंगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखते हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी कूलिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये कहां कहां पर यूज होते हैं? फिन टाइप कंडेंसर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर, बेसिकली इनका यूज किया जाता है। कहां कहां पर? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड डीप फ्रीजर के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो फिन टाइप कंडेंसर के अंदर कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, यहां पर कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, यही छोटी सी बात है। अब जो दूसरा आता है आपका, दूसरा आता है प्लेट टाइप कंडेंसर। प्लेट टाइप कंडेंसर में मैंने क्या किया कि फिन्स का उपयोग ना करके एक धात्विक प्लेट यानी एक मेटल प्लेट का उपयोग कर लिया। प्लेट टाइप
कंडेंसर में। मैंने फिन का उपयोग नहीं किया, एक पूरी की पूरी मेटल प्लेट का यूज कर लिया, और बेसिकली इतना तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, अगर मैं एक मेटल प्लेट का यूज कर रहा हूं तो उस मेटल प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और उस मेटल प्लेट को मैंने कहां पर कस दिया, रेफ्रिजरेटर बॉडी पे, जो पिछला वाला एरिया था उसी पर मैंने उसको क्या कर दिया है, कस रखा है, उसी पर वहां पे इसको स्क्रू के द्वारा मैंने जोड़ रखा है। अब इस रेफ्रिजरेटर प्लेट के पीछे मैंने कंडेंसर को वेल्ड कर दिया। कंडेंसर को क्या कर रखा है, मैंने वेल्ड कर दिया। अब होगा क्या, कंडेंसर कि जो ट्यूब्स थी वो एक मेटल की बनी हुई है, मान के चलते हैं कॉपर की बनी होती है, पीछे की जो मेटल पीछे की जो प्लेट है वो भी किसकी बनी हुई है, एक मेटल की बनी हुई है, और मैं मान के चलता हूँ उसके थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है, बहुत हाई है, ठीक है, मतलब चांदी वगैरह के तो नहीं बनाएंगे हम, फिर भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर भी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है इसकी, हाई है और इसकी भी हाई है। तो अब होगा क्या, यहां पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो सबसे पहले किस किस के मध्य में होगा, कंडेंसर की जो कॉइल है और ये जो प्लेट दे रखी है आपको, जो आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा रखी थी, इस प्लेट के मध्य सबसे पहले क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और अब जब हवा आएगी तो हवा आके किससे टकराएगी, डायरेक्ट आके इस प्लेट से टकराएगी, और इस प्लेट से टकराएगी भी सरफेस एरिया हमने एक साथ क्या कर दिया, बहुत बढ़ा दिया, पूरा का पूरा सरफेस एरिया, जैसे ये बोर्ड था वैसे वैसे पूरा एक सरफेस एरिया कर दिया, और मैं बार-बार आके क्या कर रहा हूं इसके ऊपर हवा, और अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे देख सकते हो, मैं पानी को जो है इसके ऊपर बार-बार डाल रहा हूं, और नेचुरली आ रही है वो हवा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में होना क्या है दोस्तों, हवा आएगी इससे टकराएगी, और जितनी भी इसकी हीट थी पूरी प्लेट की, जितने भी एरिया पे हवा जाके स्ट्राइक करेगी उस एरिया से, पर्टिकुलर एट एन इंस्टेंट जो जो एरिया चल रहा है उस एरिया से क्या करेगी, हीट को रिमूव कर लेगी, हीट को अपने साथ बहाकर बाहर ले जाएगी, और वही काम जो फिन टाइप कंडेंसर के अंदर होता है वही काम बाकी पूरा का पूरा वही बेसिक रहने वाला है आपका यहां पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस चेंज क्या किया है कि मैंने एक प्लेट को यूज कर लिया, और ये प्लेट किसकी बनी हुई है, एक किसी भी मेटल की बनी हुई है, और जो फर्स्ट हीट ट्रांसफर होगा वो किस किस के बीच में हो रहा है, प्लेट एंड कंडेंसर कॉइल के मध्य पहला हीट ट्रांसफर यहां पर किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। उसके पश्चात किस किस किसके मध्य हो रहा है, प्लेट एंड एयर के मध्य हो रहा है, ठीक है। तो इनका उपयोग भी कहां पर किया जाता था, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर ही इनका उपयोग किया जाता था, इसके अलावा और कहीं नहीं किया जाता था। और यहां पर भी अगर आपको कूलिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो प्लेट और बॉडी के मध्य जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर से आपको 15 सेंटीमीटर रखनी ही पड़ेगी, डेफिनेटली रखनी पड़ेगी, ठीक है। और फ्रिज को जो है दीवार से भी 10 से 15 सेंटीमीटर दूर जो है आपको यहां पर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो धातु की प्लेट पे जो आप कॉपर की जो कंडेंसर ट्यूब लगा रही है उनको कौन सी प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है, यहां पर इनको बेसिकली सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है। कौन से प्रोसेस से, सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा यहां पर इसको जोड़ा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप इसको बहुत ज्यादा डस्टी एनवायरमेंट के अंदर यूज कर रहे हो तो ये प्लेट क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। अगर ये प्लेट गंदी हो जाएगी तो सीधी सी बात है डायरेक्ट आपकी जो कूलिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसके ऊपर धूल वगैरह जम जाती है। तो इसको क्या कर लेना चाहिए, हमें समय समय पर इसको साफ करते रहना चाहिए। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, अगर ज्यादा ही गंदगी चिपक गई तो साबुन के घोल से, जो सोप बबल मेथड होता है उससे इसको क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर फिन टाइप के ऊपर जो फिन लगी हुई थी वहां पर, अगर वहां पर यदि धूल चिपक जाती है तो वहां पर भी कूलिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली डिक्रीज कर जाएगी। तो उसको भी क्या कर लेना चाहिए, कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप था, सेकंड था आपका प्लेट टाइप कंडेंसर। अब मैं बात करता हूं थर्ड टाइप की, जो है बॉडी टाइप कंडेंसर। बॉडी टाइप कंडेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, कंडेंसिंग कॉइल को बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया जाता है, और साथ में क्या लगा दिया जाता है, पॉलीयुरेथेन फॉर्म का उपयोग कर लिया जाता है। किसका उपयोग कर लिया जाता है, पॉलीयुरेथेन PUF का उपयोग कर लिया जाता है। तो तीसरी बात करें, बॉडी टाइप कंडेंसर, बॉडी टाइप कंडेंसर के अंदर आप इतना से समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा आजकल जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, आजकल आप रेफ्रिजरेटर देखोगे तो आपको ना फिन दिखेगी ना प्लेट दिखेगी, आपको पूरा का पूरा एक कैबिनेट दिखेगा। कैबिनेट के चारों तरफ फ्रिज चलता रहता है, आप देखना कभी उसके साइड वाली वॉल पे जो है आप हाथ लगाएंगे तो आपको कैसा फील होगा, आपको फील होगा कि ये बहुत गर्म हो रही है। तो गर्म क्यों फील हो रही है, क्योंकि वहां पर जो कंडेंसिंग कॉइल होती है, जो कंडेंसर कॉइल होती है, उसको बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी है, एक तो उसकी साइड वॉल में भी फिट कर देते हैं यहां पर, और साथ साथ में जो बैक वॉल थी
वहां पर भी इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है। और मध्य में क्या लगा दी जाती है, पॉलीयुरेथिन फोम को लगा दिया जाता है, PUF जिसको कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इंसुलेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीयुरेथिन फॉर्म का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर होगा क्या कि इसमें कंडेंसिंग नलिकाओं को जब आप कैबिनेट से जोड़ देंगे बॉडी के अंदर, तो जितनी भी वही सेम प्रोसेस होना था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपने एक बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग कर लिया है जो बाहर की हीट को अंदर आने से क्या कर देगा, रोक देगा, तथा साथ में बाकी सारा काम वही होने वाला है। एयर आएगी इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करेगी और जितनी भी इसकी ऊष्मा होगी उस ऊष्मा को क्या करेगी, लेकर चली जाएगी। बस फर्क हमने इतना सा कितना सा किया, यहां पर हमने मेटल बॉडी ना लगा के, भाई आगे की प्लेट धात्विक रहती है, अंदर की प्लास्टिक रहती है, बीच में क्या भर देते हैं हम, PUF भर देते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं, कंडेंसिंग कॉइल्स को लगा देते हैं। इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर रहे, तो बाकी वही प्लेट टाइप जो कंडेंसर हो रहा था वही हो रहा है, ठीक है। प्लेट टाइप कंडेंसर के अंदर जो चीज हो रही थी वही काम यहां पर हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी अलग से नहीं हो रहा। हवा आएगी, हवा किसे टकराएगी, जितनी भी ऊष्मा होगी उसको लेगी और लेकर निकल जाएगी, ठीक है। और हवा को किसके द्वारा, जो ऊष्मा होगी वो कंडेंसिंग कॉइल के द्वारा कहां पर भेज दी जाएगी, बाहर वाली प्लेट के ऊपर भेज दी जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, बॉडी टाइप कंडेंसर कहा जाता है। ये मॉडर्न रेफ्रिजरेटर सिस्टम के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पहला टाइप, नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर्स, ठीक है। अब इसका जो सेकंड आता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, वहां पर हम एक एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि ब्लोअर अथवा किसी फैन का उपयोग करते हैं। सेकेंड है इसका फोर्स्ड कन्वेक्शन। भाई फोर्स कन्वेक्शन हो क्या, होती क्या चीज है, सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं फोर्स कन्वेक्शन का, कि जब आप, ठीक है, बाइक के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। अगर सर्दियों के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बाइक के ऊपर ज्यादा तेज हवा, आप बोलते ज्यादा तेज हवा लग रही है, ज्यादा तेज ठंड लगने लग जाती है। या फिर आप गर्मियों के अंदर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील होने लग जाता है, जब ऐसी गर्मियां आती हैं तो आपको पसीने आ रहे होंगे तो काफी कंफर्ट फील होगा। तो होता क्या बेसिकली, जब आपके हीट ट्रांसफर मोड को किससे, फ्री कन्वेक्शन से फोर्स कन्वेक्शन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, तो जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है उसकी वैल्यू क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। जब जैसे हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा हो जाती है तो आपको कंफर्ट जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या करते हैं, हम जो अपने फैन बनाते हैं इलेक्ट्रिक फैन, ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, जो भी है घूम रहा है, सारी चीजें हो रही है, परंतु ये करते क्या है, अगर आप जैसे आपको गर्मी लगती रहती है आप कूलर के आगे जाके खड़े हो जाते हो तुरंत, है ना, और थोड़ी देर बाद आप देखते हो आपके पसीने सूख जाते हैं, तो हवा जो आती है क्या करती है, आपकी हीट को साथ साथ में रिमूव करके लेके जाती रहती है। तो हम यहां पर वही काम करेंगे, कंडेंसर के सामने एक क्या लगा देंगे, ब्लोअर। और ये चीज आपने कहां देखी होगी, विंडो एसी के अंदर, ठीक है। जो रिमोट कंट्रोल आपके जो कंडेंसर होते हैं वो होते हैं आपके जो आउटडोर यूनिट जिसमें बाहर होती है, ठीक है। तो दो तरीके के हैं, पहला तरीका लिखो इसके अंदर, जो पहला प्रकार है वो लिखिए, जिसको कहा गया चेसिस माउंटेड कंडेंसर। पहला है चेसिस माउंटेड कंडेंसर। यहां पर क्या करते हैं हम, जो आपका कंप्रेसर है, कंडेंसर है, मोटर रिसीवर जो है, सबको एक ही चेसिस पर लगा दिया जाता है। किस किस को, कंप्रेसर को, कंडेंसर को, मोटर को एंड रिसीवर को, सबको एक ही जगह पर लगा दिया जाएगा। और कंडेंसर के पीछे एक फैन को लगा दिया जाएगा, मतलब अगर बकायदा यहां पर कंडेंसर लगी हुई है आपकी कंडेंसर कॉइल, तो इसके पीछे क्या करूंगा मैं, एक ब्लोअर को लगा दूंगा। अब वो ब्लोअर जब भी चलेगा तो वो क्या काम करेगा, एयर को फेंकेगा कहां पे, कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर। कंडेंसर कॉइल्स के अंदर जो भी लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट जा रहा था, जिसका टेम्परेचर कैसा था, हाई था, वो उस एयर के साथ क्या करेगा, ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा और अपनी सारी की सारी ऊष्मा खो देगा और किसको दे देगा, हवा को दे देगा। और हवा क्या हो जाएगी, इसीलिए तो हवा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसलिए तो विंडो एसी वगैरह के पीछे यदि आप खड़े होते हो तो आपको कैसा फील होता है, गर्म हवा आती जो है आपको फील होती है। तो इस प्रकार के कंडेंसर्स को या इस प्रकार की यूनिट को सेल्फ कंटेन्ड यूनिट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर सभी चीजें यहां पर क्या होती है, विद्यमान होती है। और जो सेकंड आता है आपका, सेकंड है यहां पे आपका रिमोट माउंटेड कंडेंसर। यहां पर क्या होगा बच्चों, एक तो आपकी आउटडोर यूनिट होगी,
आउटडोर यूनिट और दूसरी क्या होगी इंडोर यूनिट। मतलब एक सिस्टम जो होगा, एक निकाय जो होगा आपका, वो रूम के अंदर रखा हुआ होगा, वो क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ कूलिंग का काम करेगा, ठीक है। और आउटडोर पे आपके कंप्रेसर, रिसीवर और जो कंडेंसर यहां पर लगे हुए होंगे। और बेसिकली यहां पर भी क्या करते हैं, हम कंडेंसर के पीछे एक ब्लोअर फैन को लगा देते हैं, जैसे वो फैन चलेगा बाकी सारी वर्किंग सबके अंदर सेम रहने वाली है, ठीक है। यहां पर किसी पूरी आरएसी के अंदर वर्किंग कभी भी डिफरेंट होती नहीं है। जो हमने बेसिक रेफ्रिजरेशन पढ़ लिया वो बेसिक रेफ्रिजरेशन हो गया, बस काम खत्म। अब उन्हीं चीज को हम डीप के अंदर पढ़ते हैं और एक ही चीज बार बार आती है, या तो हमें हीट को भगाना होता है, ठीक है, या फिर उसे बहुत कम करना होता है, कहीं पर रिसीव करवाना होता है, ठीक है। जैसे इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है, इवेपोरेटर के अंदर जब चीज जाएगी, जब रेफ्रिजरेंट उस वक्त तक अपना टेम्परेचर क्या होता है बहुत खो चुका होता है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उसके अंदर जितनी भी चीजें रखी होती है फ्रिज के अंदर, ठीक है, आपने देखा होगा ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं एयर को सर्कुलेट करते रहते हैं, तो जितनी भी उसके अंदर चीजें रखी हुई होंगी वो क्या करेंगी, उष्मा को त्याग देती है। और उष्मा को कौन ग्रहण कर लेता है, इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है वो ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके कहां चला जाता है, आगे चला जाता है वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आगे चला जाता है कहां पे, कंप्रेसर के पास। तो पूरे के पूरे जो आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, वर्किंग सब जगह सेम रहने वाली है, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं होने वाली, क्योंकि एक ही डिवाइसेस हैं और एक ही प्रिंसिपल पे कार्य कर रहे हैं। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट के अंदर क्या होता था कि सारी चीजों को एक ही जगह, जैसे विंडो एसी होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है मैंने, वहां पर भी कंडेंसर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो उसको सेल्फ कंटेन्ड यूनिट इसलिए कहा जाता है कि भाई कंप्रेसर है, इवेपोरेटर है, कैपिलरी ट्यूब्स है, विंडो एयर कंडीशनिंग के अंदर एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में कैपिलरी ट्यूब्स का ही प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना, और साथ में कंडेंसर है, रिसीवर है, एक्यूमुलेटर है, इन सबको एक ही जगह पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपकी रिमोट लोकेशन होती है, रिमोट का मतलब होता है कहीं दूर रखना किसी चीज को, ठीक है। तो इंडोर यूनिट जो बेसिक प्रिंसिपल जो फॉलो कर रहा है वो कहीं पर है, कमरे के अंदर है, और आउटडोर यूनिट को हमने क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो इसके पीछे भी एक फैन को लगाया जाएगा, वो फैन क्या करेगा, कंडेंसर के अंदर जितनी भी एयर होगी, सॉरी जितनी भी हीट होगी, उसको एयर के साथ फ्लो करवाता रहेगा और बाहर फेंकता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पहले प्रकार के कंडेंसर जो होते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। यहां पे हर जगह मैंने किसका उपयोग किया है, वायु का उपयोग किया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर, वो भी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, और फिर पढ़ेंगे इवेपोरेटिव कंडेंसर तथा रिसीवर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।